Welcome students. Today I am going to start with the new topic of your macroeconomics book. The name of the topic is foreign exchange rate. Foreign exchange rate को समझने से पहले हमको ये समझना है कि foreign exchange होता क्या है. Foreign exchange is nothing but the foreign currency. इसका मतलब हम foreign currency को ही foreign exchange बोलते हैं. Then what is foreign exchange rate? Foreign exchange rate is the it is the rate at which currency of one country is exchanged with the currency of another country. That means how much unit of one country's currency you require to get one unit of the another country's currency. Let's say for example, $1 is equal to 70 rupees. That means to purchase $1 you required 70 rupees. So this is the exchange rate. That means के आपको $1 परचेज करने के लिए you required 70 rupees of the Indian currency. So this is the exchange rate. अब basically जो exchange rate होता है ये different तरीके से determine होता है और इसीलिए जो हमारा जो next topic है वो है exchange rate system. Basically three ब्रॉड कैटेगरीज में अगर हम डिवाइड करें तो थ्री ब्रॉड कैटेगरीज में हम जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. सेकंड है हमारा फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. और थर्ड है हमारा मैनेज्ड फ्लोटिंग. वन बाय वन हम तीनों को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है. पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, द रेट ऑफ एक्सचेंज इज फिक्स्ड और मेंटेन बाय द गवर्नमेंट एट पर्टिकुलर लेवल. दैट मींस कि अगर जो जैसे कि हमारा अगर हम बात करें फ्री मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई है इस तरह से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है. ये एक्सचेंज रेट है और यहाँ पर क्वांटिटी है. यहाँ पर ये क्या है, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड दिस इज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. जहाँ पे ये दोनों मीट हो जाते हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है. दैट इज द एक्सचेंज रेट. इट इज डिटरमाइंड एट दिस लेवल. लेकिन जो गवर्नमेंट होती है उसमें जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसमें जो गवर्नमेंट है जो एक्सचेंज रेट है उसको एक पर्टिकुलर लेवल पे मेंटेन करती है या फिर फिक्स कर सकती है. जैसे कि गवर्नमेंट जो है अबव इक्विलिब्रियम लेवल पे भी एक्सचेंज रेट को सेट कर सकती है और बिलो इक्विलिब्रियम लेवल पर भी सेट कर सकती है. सो इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो अपना एक्सचेंज रेट है उसको मेंटेन करती है. बेसिकली जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है इसके दो वेरिएंट हैं. फर्स्ट है ए गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम. एंड दूसरा है इसका ब्रिटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. ब्रिटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट को एडजस्टेबल पेग सिस्टम भी बोलते हैं. अब डिफरेंस क्या है दोनों में, पहले हम बात कर लेते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम की. गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या होता है कि जो हर कंट्री होती है पहले अपनी जो करेंसी की वैल्यू है उसको गोल्ड के टर्म्स में डिफाइन कर लेती है एंड देन अकॉर्डिंगली जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं बिकॉज उन्होंने पहले अपनी जो वैल्यू है गोल्ड के टर्म्स में डिफाइन कर ली है. और उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो 1 ग्राम जो गोल्ड है लेट से इज इक्वल टू 20 रुपीज़. अब इस तरह से क्या हुआ कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जैसे कि $1 ये US ने अपनी करेंसी की जो वैल्यू है उन्होंने गोल्ड के टर्म्स में डिफाइन कर ली है. उसी तरह से जो इंडियन हैं
करेंसी है उसने भी जो अपनी करेंसी की जो वैल्यू है गोल्ड के टर्म्स में डिफाइन कर ली है। और उसके बाद जब सारी कंट्रीज़ ऐसे डिफाइन कर लेंगी कि गोल्ड के टर्म्स में उनकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या है, उसके बाद आपस में इनके एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है, अब यहाँ से एक्सचेंज रेट क्या डिटरमाइन हुआ है, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हुआ है $1 इज इक्वल टू 20 रुपीज़। सो बेसिकली गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या होता था कि पहले सारी कंट्रीज़ अपनी करेंसी की जो वैल्यू है उसको गोल्ड के टर्म्स में डिफाइन कर लेती थी, देन अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी वॉज फिक्स्ड कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ ईच करेंसी। सो इस तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में हुआ करता था। लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है ये 1920 से पहले यूज़ होता था, अभी ये यूज़ नहीं होता है। देन उसके बाद आया ब्रिटन वुड सिस्टम। अब ब्रिटन वुड सिस्टम में क्या है, ब्रिटन वुड सिस्टम में जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या किया, अपनी जो वैल्यू है, जो अपनी करेंसी की वैल्यू है, उन्होंने डॉलर के टर्म्स में पहले क्या कर ली, उन्होंने डिफाइन कर ली कि डॉलर टर्म्स में उनकी करेंसी की वैल्यू कितनी है। देन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही डिफरेंट कंट्रीज़ में, लेट्स से कि इंडियन करेंसी ने अपनी जो वैल्यू है वो डॉलर टर्म्स में डिफाइन कर ली, देन आपका जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जो चाइनीज़ है, देन आपकी जो जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी अपनी जो करेंसीज़ हैं उन्होंने पहले डॉलर टर्म्स में उसको डिफाइन कर लिया है कि इतनी वैल्यू है। दैट मीन्स डॉलर के टर्म्स में अपनी करेंसी की जो वैल्यू है उसको उन्होंने डिटरमाइन कर दिया है। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो डॉलर की वैल्यू है उसको गोल्ड के टर्म्स में बाद में फिक्स किया गया। दैट मीन्स इसमें क्या हुआ कि पहले डॉलर के टर्म्स में हमने अपनी कंट्री की जो वैल्यू है उसको हमने डिटरमाइन किया, देन उसके बाद क्या हुआ कि जो डॉलर है उसकी वैल्यू को गोल्ड के टर्म्स में डिटरमाइन किया गया। इसका मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली जो हर कंट्री है, लेट से हमने पहले डॉलर के टर्म्स में अपने आप किया था, जो हर कंट्री की जो करेंसी है इनडायरेक्टली गोल्ड के टर्म्स में ही उसको डिटरमाइन किया गया। सो बेसिकली इसमें क्या हुआ है, इसमें द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ US डॉलर, दैट मीन्स हमने एक कंट्री की जो करेंसी है उसको US डॉलर टर्म्स में हमने उसको डिफाइन किया। दैट अल्टीमेटली इम्प्लाइड वॉट, इट इम्प्लाइड दैट द वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड ओनली। सो दिस इज द ब्रिटन वुड सिस्टम। लेकिन ये सिस्टम भी 1977 तक ही फॉलो किया गया। देन उसके बाद हमारा आया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है यहाँ पे जो रेट है इट इज़ डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का क्या होता है, जहाँ पे जो फॉरेन करेंसीज हैं उनका जो बाइंग एंड सेलिंग होता है उस मार्केट को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं। सो बेसिकली जहाँ पे डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी जहाँ पे ये हो जाता है वहाँ पर जो एक्सचेंज रेट होता है वो डिटरमाइन हो जाता है। लेट्स से अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझें तो यहाँ पर है एक्सचेंज रेट और यहाँ पर है क्वांटिटी। दिस इज डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड दिस इज सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। और जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पर एक्सचेंज रेट जो होता है वो डिटरमाइन हो जाता है। सो बेसिकली अगर मान लीजिए कि जो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी है वो ज़्यादा है और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी कम है, अब इस केस में क्या होगा कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि फाइनली जो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी रिड्यूस हो जाएगी और जो सप्लाई है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी और एंड में जो आपका एक्सचेंज रेट है वो R1 पे ही रहेगा। उसी तरह से अगर आपका जो एक्सचेंज रेट है वो यहाँ पर आपका होता है, दैट मीन्स सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी ज़्यादा है और डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी आपकी कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर भी आपका जो एक्सचेंज रेट है वो फाइनली आपका
इसी पॉइंट पे आकर डिटरमाइन होगा। सो बेसिकली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है जैसे कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में था, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी इन डिटरमाइनिंग द एक्सचेंज रेट। लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो मार्केट फोर्सेस हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सचेंज रेट सिस्टम इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो दिस इज़ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब जो फैक्टर्स हैं कि आपकी डिमांड किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है और सप्लाई ऑफ फॉरन करेंसी किस किस फैक्टर पर डिटरमाइन करती है, सो ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस से अभी डिलीट हो गया है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो एक्सचेंज रेट होता है इट इज़ डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन जो सेंट्रल बैंक जो होता है किसी भी कंट्री का वो इसमें इंटरवीन भी करता है सो दैट द एक्सचेंज रेट कुड बी मैनेज्ड एट द डिजायर्ड लिमिट। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दोनों ही तरह के फीचर्स हैं, दैट मीन्स यहाँ पे जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है उसके भी इसमें फीचर्स हैं, प्लस इसमें जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसके भी इसमें फीचर्स हैं। वो कैसे, बिकॉज जैसे कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है कि जो एक्सचेंज रेट होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्सचेंज रेट होता है वो गवर्नमेंट जो होती है थ्रू द RBI वो जो सेंट्रल बैंक है उसके थ्रू जो एक्सचेंज रेट है उसको मैनेज करती है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन तो हुआ है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के थ्रू ही, लेकिन जो सेंट्रल बैंक है बीच बीच में इंटरवीन करती रहती है ताकि एक्सचेंज रेट को अपनी डिजायर लिमिट तक मेंटेन कर सके। हमारे इंडिया में यहाँ हम लोग मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम ही फॉलो करते हैं, और जो मैनेज एक्सचेंज रेट मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। अब जब मैं बोल रही हूँ कि एक्चुअली में कि जो RBI है वो एक्सचेंज रेट को कैसे मेंटेन करता है और किस तरह से एक्सचेंज रेट को उस लिमिट पर मेंटेन करता है ताकि हमारी कंट्री के लिए वो फेवरेबल साबित हो, तो ये कैसे करता है, जो RBI होता है ये क्या करता है, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। सो बेसिकली किस तरह से मेंटेन करता है, बाय सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। अब ये होता कैसे है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैनेज फ्लोटिंग में जो RBI है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो किस तरह से जो एक्सचेंज रेट है उसको मैनेज करती है, वो कैसे करती है, बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। सो बेसिकली मैं यहाँ पे दो केसेस ले रही हूँ कि किस तरह से मैनेज किया जाता है। लेट्स से कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या चाहती हैं, वो ये चाहती हैं कि जो एक्सचेंज रेट है उसको वो रिड्यूस करना चाहती हैं, एक्सचेंज रेट को डिक्रीज करना चाहती हैं। अगर एक्सचेंज रेट को डिक्रीज करना चाहती है एज अगेंस्ट US डॉलर, कैसे करेंगे एक्सचेंज रेट को रिड्यूस, मैं आपको ऑलरेडी डायग्राम के थ्रू पहले बता चुकी हूँ कि जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिटरमाइन होता है फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में। ये है हमारा डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और ये है हमारा सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, और ये क्या है हमारा एक्सचेंज रेट, दिस इज़ क्वांटिटी, और यह है एक्सचेंज रेट R1। R1 कैसे डिटरमाइन होता है, इंडियन रुपीज़ डिवाइड बाय डॉलर। सो दिस इज़ द रेशियो बिटवीन द इंडियन रुपीस एंड द डॉलर। अब हुआ क्या है कि लेट्स से ये क्या है हमारा 70 रुपीज़ पर डॉलर है। अब जो एक्सचेंज रेट है, जो RBI है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, दे वॉन्ट टू रिड्यूस द एक्सचेंज रेट अगेंस्ट द US डॉलर। अब एक्सचेंज रेट को रिड्यूस करने के लिए जो RBI क्या होगा, RBI करेगा, RBI विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ डॉलर,
डॉलर की सप्लाई है उसको इंक्रीज़ कर देगा। तो डॉलर की जैसे ही सप्लाई को इंक्रीज़ करेगा तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूस हो जाएगा। दैट मीन्स ये आ गया हमारा आर टू पे। आर टू की वैल्यू जो है, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ इसे, ये था हमारा 70 रुपीज़ पर डॉलर और ये है हमारा 65 रुपीज़। अब हुआ क्या है, ये प्रीवियस इक्विलिब्रियम था और ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सचेंज रेट डाउन हो गया है। दैट मीन्स पहले जो था, अर्लियर एक्सचेंज रेट वॉज $1 = 70 रुपीज़। दैट मीन्स इफ यू वॉन्ट टू परचेज $1 देन यू हैव टू पे 70 रुपीज़। लेकिन एक्सचेंज रेट, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी एक्सचेंज रेट रिड्यूस हो जाए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सप्लाई को इंक्रीज कर दिया इंटरनेशनल मनी मार्केट में। अब क्या हुआ कि $1 = क्या हो गया, 65 रुपीज़। दैट मीन्स कि हमारी जो करेंसी है वो क्या हो गई है, डोमेस्टिक करेंसी, वो क्या हो गई है, एप्रिशिएट हो गई है। इट लीड्स टू एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी है उसका एप्रिसिएशन हुआ है एंड इट लीड्स टू डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो इस तरह से क्या हुआ है कि हमारी कंट्री का जो एक्सचेंज रेट है, जो इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट है वो रिड्यूस हुआ है और उसकी वजह से क्या हुआ है, हमारी कंट्री का जो करेंसी है उसका एप्रिसिएशन हुआ है, बिकॉज अब आपको कम पे करना पड़ेगा टू बाय $1। उसी तरह से अगर जो RBI है वो चाहती है कि एक्सचेंज रेट को इंक्रीज़ किया जाए, एक्सचेंज रेट को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेंगे, एक्सचेंज रेट को इंक्रीज़ करने के लिए जो RBI है वो क्या करेगा, इट इंक्रीज़ द डिमांड फॉर डॉलर, डॉलर की डिमांड को इंक्रीज़ कर देगा। डॉलर की डिमांड जैसे ही इंक्रीज़ होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ हो गया है जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी करेंसी है वो उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। सो इस तरह से बेसिकली जो RBI है, जो सेंट्रल बैंक है किसी भी कंट्री का, जो भी कंट्री मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम फॉलो करती है, उस कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो बाइंग एंड सेलिंग करता है किसकी, एक्सचेंज फॉरेन करेंसी की, सो दैट दे कुड मेंटेन द एक्सचेंज रेट एट द डिज़ायर्ड लिमिट। सो ये तीनों सिस्टम हैं। अभी जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमको सिर्फ यही तीन डेफिनेशन पढ़नी है, बाकी जो एक्सचेंज रेट किस तरह से डिटरमाइन होता है, उसके कॉजेज क्या क्या हैं, जो डिमांड और सप्लाई किस तरह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, वो सिलेबस से हमारा डिलीट हो चुका है। इसीलिए दिस टॉपिक इज़ ओवर नाउ। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।